आज जो सामाजिक परिस्थितियां चल रही हैं, उन सामाजिक परिस्थितियों में महिलाओं ने आर्थिक विकास की दृष्टि से तो बहुत उन्नति की है, लेकिन मानसिक दृष्टि से उतनी उन्नति नहीं की है। इसके पीछे हमारी भारतीय संस्कृति, परंपराओं, सभ्यता और हमारी जो पहले की प्राचीन बेड़ियां थीं वो कमज़ोर पड़ गई हैं। और ये तो जगविदित है कि भारत एक पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज की जो दूषित मानसिकता थी कि हम पुरुष हैं, उसकी वजह से पहले महिलाओं का शोषण हुआ करता था, उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था। तो मैं समझती हूँ कि महिलाओं में वही आक्रोश आ गया है। उस आक्रोश की वजह से महिलाएं आज अपनी सारी बेड़ियां तोड़ के उनके प्रति विद्रोह की भावना पैदा कर चुके हैं। तो युवाओं और परिवार के सदस्यों की जो सहनशीलता है उसका निरंतर ह्रास हो रहा है, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो स्त्रियां हों, चाहे वो घर के बुजुर्ग क्यों न हो। नैतिकता के ह्रास की वजह से आज पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधों के स्वरूपों में भी परिवर्तन हुआ है। आज पहले पड़ोसी का भी हम लोग अपने ऊपर एक नियंत्रण समझते थे, सारे नियंत्रण छोड़कर आज बच्चों में कोई किसी के प्रति आदर की भावना नहीं रही है। सामूहिक चेतना का ह्रास हुआ है और इसी कारण से हमारी सरकार ने, समाजसेवी संस्थाओं ने बहुत प्रयास किया है, कानून बनाए हैं, लेकिन उन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। उन कानूनों का दुरुपयोग महिलाएं जमकर आज कर रही हैं, जो नहीं होना चाहिए था। और इसके लिए कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं होता है। गाड़ी के दो पहिए हैं, पुरुष और स्त्री, अगर दोनों ही सामंजस्य के साथ कार्य करें तो हमारे समाज में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हो सकती है। और जो कोरोना जैसी जो प्रदूषण व्याप्त है आजकल, वो केवल प्राकृतिक प्रदूषण का ही परिणाम नहीं है, वो सामाजिक प्रदूषण का भी परिणाम है। आज हमारे घर की बेटियां, बेटे होटल में जाकर एंजॉय करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई भी घर में जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान होने थे, जन्मदिन पर, वैवाहिक वर्षगांठ पर, वो आज होटल में हो रहे हैं। और युवाओं ने अपनी नैतिकता का पूरा ह्रास कर रखा है। आज उन्होंने सारे नियंत्रण झूठे कर दिए। रिश्तेदार का कोई नियंत्रण नहीं है, परिवार का अपने का कोई नियंत्रण नहीं है। आज माँ बाप भी बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो वास्तव में उनके साथ नहीं होते हैं, चाहे ससुराल पक्ष से हो, चाहे वो मायके पक्ष से क्यों न हो। आज पहले कोई बात होती थी, बेटी को शिक्षा दी जाती थी कि जाके तुम्हारा वही घर है, वही तुम्हारा परिवार है, वही तुम्हारा पति है, लेकिन आज उन सब भावनाओं में ह्रास हुआ है। लड़कियों में पति की भावना नहीं आई है, लड़कों में पत्नी की भावना नहीं आई है। भले ही हम आर्थिक रूप से कितना भी विकास कर लें, लेकिन फिर भी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रदूषण इसके लिए बहुत उत्तरदायी है। जैसे कि अमावस की रात को उजाला देने वाले दीपक को हम जलाए रखते हैं, और कोई भी ऐसी रात नहीं जिसका सवेरा न हो, कोई ऐसी आपदा नहीं जो विजय के उत्सव में न बदल सकती हो। आज युवाओं को, परिवार के बुजुर्गों को, सबको पुरानी हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे पुराने सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को अपनाना होगा, तो निश्चय ही हमारे घरों में ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, समाज हमारा सुदृढ़ पहले की भांति हो जाएगा।